हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में। मुनव्वर फारूकी आजकल लॉकअप के कंटेस्टेंट बने हुए हैं। मुनव्वर इंडिया के फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन और कंट्रोवर्सी के लिए जाने जाते हैं, साथ ही में लोगों के द्वारा उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट भी मिलता है। आखिरकार क्यों बचपन में ही उनके घर को जला दिया गया था और क्यों मुनव्वर को जेल की हवा भी खानी पड़ी, साथ ही में उनके माता पिता की डेथ कैसे हुई, यह भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सारी बातें जानने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। मुनव्वर का जन्म 28 जनवरी 1992 में गुजरात के जूनागढ़ शहर में हुआ था। मुनव्वर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, साथ ही में इनकी फैमिली में इनके पिता और इनकी तीन बहनें भी रहती थीं। मुनव्वर के पिताजी पेशे से ड्राइवर थे, जो कि परिवार का पालन पोषण करते थे। सन 2002 गुजरात राइट्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा दंगा फसाद होने के कारण काफ़ी ज़्यादा परिवार तबाह हो गए, जिसके कारण फारूकी का घर भी जला दिया गया, जिस वजह से उनकी मां काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसके बाद सन 2007 में उनके पिताजी उनको और उनकी तीनों बहनों को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए, जहाँ पर उनके पिताजी ड्राइविंग का काम करते थे। वहीं 2008 में उनके पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, जिस वजह से सारी घर की जिम्मेदारी अब फारूकी पर आ गई थी, जिस वजह से मुनव्वर ने बर्तनों की दुकानों पर काम करना शुरू कर दिया और नाइट में कंप्यूटर कोर्स सीखने लगे, साथ ही में वह ग्राफिक्स डिजाइनर का भी कोर्स करने लगे। पूरे 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद मुनव्वर ने एक कंपनी ज्वाइन की, जिसमें उन्होंने एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वह अपने काम से ज़्यादा काफ़ी खुश नहीं थे। जिसके बाद उन्होंने कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन को देखा, जब उन्हें लगा कि शायद वो भी यह कॉमेडी कर सकते हैं, और उन्होंने उसमें हाथ आजमाना शुरू कर दिया। इसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट में मुनव्वर को 2 लाइन स्टैंड अप कॉमेडी बोलने का मौका मिला, जिस वजह से उनकी उन 2 लाइनों ने उनकी दुनिया ही बदल दी। वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, सभी के दिमाग पर वो 2 लाइन हमेशा के लिए छप गईं, और वहाँ पर मुनव्वर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी हुई। उसके बाद मुनव्वर ने पार्ट टाइम जॉब के रूप में स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दिया। वहीं उनके परिवार वालों ने और उनके दोस्तों ने उनके इस स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया। इसके बाद मुनव्वर धीरे धीरे लोगों की नज़रों में आने लगे और हर कोई उनसे ऑटोग्राफ मांगने लगा, जिस वजह से उन्होंने अब अपने इस स्टैंड अप कॉमेडी को फुल टाइम करने का मौका दिया। वहीं 2019 में उन्होंने पहली बार गुजराती शो किया, जो कि 1 घंटे का था, जिसका नाम था दो दयो। उसके बाद 2020 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, जिसमें अब उनके मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं। उसके बाद 2020 में मुनव्वर ने पहला टिकट शो किया, जिस वजह से उन्होंने लोगों की नज़रों में और भी ज़्यादा अपनी पहचान बनाई। इसके बाद लॉकडाउन लग गया और मुनव्वर अब घर पर ही रहते थे, जिस वजह से उन्हें कोई भी अब शो नहीं मिल रहा था, तो मुनव्वर यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और एक्टिव रहने लगे, जिस वजह से उनके आज भी मिलियन में अब सब्सक्राइबर हैं। वहीं मुनव्वर को काफ़ी ज़्यादा शो ऑफर होने लगे देश से विदेश से। हम आपको बता दें कि मुनव्वर एक कॉमेडियन होने के साथ साथ एक रैपर भी हैं। इसके बाद फरवरी 2020 में मुनव्वर ने यूट्यूब पर एक सॉन्ग निकाला, दी चौकीदार सॉन्ग, जिसमें वह मोदी जी के सॉन्ग पर बोलते हुए नज़र आए। उसके बाद मार्च 2020 में उन्होंने एक और वीडियो अपलोड किया, NCR दिल्ली राइट्स, जिसमें उन्होंने दिल्ली के दंगल फसाद के बारे में बोलते नज़र आए। मुनव्वर की इस तरह की कॉमेडी काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आई, जिस वजह से उनको मारने की धमकी दी जाने भी लगी, जिस वजह से मुनव्वर ने 20 से ज़्यादा शो को इनकार कर दिया करने से। वहीं जनवरी 2021 में मुनव्वर को मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी कर लिया गया, जहां पर इंदौर के एक शो में उन्होंने अमित शाह के बारे में कुछ बोल दिया, जिसको सुनने के बाद वहां के MLA के बेटे लक्ष्मण एकलव्य सिंह गौर ने उन पर केस कर दिया। उनका कहना था कि वे हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच लोगों को भड़काते हैं।
सो गाइज ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।